इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अश्तूर गांव में अहमद शाह के मकबरे पर आज खामोशी छाई हुई है। बहमनी शासक अहमद शाह ने सन 1432 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन आज हिंदू और मुसलमान दोनों अहमद शाह को सिर्फ एक अच्छे शासक की तरह ही नहीं बल्कि एक संत की तरह याद करते हैं। मोहम्मद अब्दुल गफूर का परिवार पिछले 600 साल से मकबरे की देखभाल कर रहा है। ये हमें बताते हैं कि इस मकबरे को ज़ियारतगाह का दर्जा कैसे मिला। 600-700 साल पुराने हमारे जो बड़े लोग यहाँ पर खिदमत गुजार बोल के यहाँ के खादिम यानी कि मुजावर जो वूद फूल जो सफाई हुए करने वाले यहाँ के, ये जो है हमारे पीढ़ियों से करते हुए आए। हमारे जो हुकूमत के बादशाह थे, बादशाह में अपने हुकूमत में ये करने के बाद जब बारिश उड़ गया, बारिश उड़ने के बाद जब अल्लाह से दुआ करे ये लोग जो हज़रत शाह नेमतुल्ला हुसैनी किरमानी जो है ना, वो लोग मिलके जब दुआ करने के लिए गए, दुआ करे तो जब बारिश हुई, 3 साल बारिश नहीं हुई थी, बारिश हुई तो हर कौम वाले को बुला के दुआ करने लगाए। तो जब से मानते इनको, इनको वली मानते, जब से जो बादशाह थे वक्त के वली बोलते, चौखंडी वाले जो है ना इनको उस्ताद है वो, जो तालीम देने के लिए आए। तालीम नहीं था बहमनी में, जो दीनी तालीम नहीं थी, तालीम देने के लिए आए उन्होंने बहमनी। तालीम देने के बाद ही इनको जो वली सिफत माने गए जो बारिश हुई अल्लाह से। ऐसी मान्यता है कि 15वीं शताब्दी में बिदर इलाके में भयानक सूखा पड़ गया था। तब अहमद शाह वहां के शासक थे और वो सूफियों के बड़े मुरीद थे। अहमद शाह ने बारिश के लिए दुआएं मांगी, जिसके बाद बिदर में खूब बारिश हुई। तब से अहमद शाह का दर्जा बादशाह से बढ़कर संत का हो गया। आज यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अहमद शाह का उर्स मनाने आते हैं। हिंदू और मुस्लिम हर एक कौम से आके यहाँ पर ये करते हैं। उनको जो यहाँ से एक ब्रह्मन घराने में जो अलन तालुके में माड़ेहाल बोल के गाँव है, वहाँ से पैदल आता हो, 5 दिन रह के यहाँ पर पूजा जो कर लेते उन लोगों, संदल वंदल चढ़ाते, ऊद फूल डाल के शंख बजाते, शंख बजा के जो इनकी जो उरस होता यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे लोग जो मुस्लिम है अंदर रह के फातिहा दरुद जो पढ़ने का वो करते, यहाँ पर खवाली होती, वो लोग भजन करते। ये मार्च में बोले तो ये जो पूरे ये जो होली जलती ना, होली के बाद फिक्स है समझो, होली हुई सो 9 दिन को इधर आते। अहमद शाह का उर्स हर साल मार्च महीने के मध्य में मनाया जाता है। तब यहाँ का माहौल कव्वाली और भजनों के स्वरों से गूंज उठता है। सैकड़ों तीर्थयात्री उसका आनंद लेते हैं। ये दक्कन की मिलीजुली तहजीब की मिसाल है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पूरे जोश से हिस्सा लेते हैं। इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अहमद शाह के मकबरे की खूबसूरत सजावट देखने लायक है। ये उस जमाने की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। ऊंची अंदरूनी छतों पर चटक रंगों से बेहद जटिल डिजाइनें बनाई गई हैं। हालांकि ये बेहद खस्ता हाल में है, लेकिन यहाँ ऐसी बेहद खूबसूरत डिजाइनें देखी जा सकती हैं, जो अक्सर मंदिरों और मस्जिदों में पाई जाती हैं। अहमद शाह का मकबरा एक बड़े परिसर का हिस्सा है, जो बिदर से कुछ दूर अश्तूर गांव में मौजूद है। अहमद शाह और उनके पुत्र के मकबरे सन 1436 और सन 1535 के दरमियान
बनवाए गए थे। ये सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी का है, उसके बाजू में अलाउद्दीन शाह वली बहमनी, हुमायूं बहमनी, निज़ाम शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, ये जो इनके जो पूरे लाइन से इनके पोतरे, इसके बाद में जो है बरी शाही हुकूमत ये हुई, जो बरी जो है इनके पास सिपाही था जब उनके हुकूमत में जो हुकूमत छीन लिए। अहमद शाह के मकबरे के आगे एक नई बनवाई गई मस्जिद है। मस्जिद के करीब उनके बेटे अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय का मकबरा है। इस मकबरे के भीतरी हिस्से में अहमद अली शाह के मकबरे की तरह की कलाकारी तो नहीं है, फिर भी बाहरी दीवारों पर खूबसूरत टाइल्स देखे जा सकते हैं। ये मकबरा वास्तुकला रूप से दिलचस्प है क्योंकि ये कई असामान्य पद्धतियों का परिचय देता है। कुछ बाहरी हिस्सों को बसाल्ट के रॉड से अति सुंदर डिजाइनों के साथ रेखांकित किया गया है। मकबरे के दक्षिणी भाग पर नीले मोजाइक टाइल वर्क में दो बैंडों को खूबसूरत शिलालेखों से अलंकृत भी किया गया है। अहमद शाह और अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के मकबरों के अलावा अश्तूर परिसर में हुमायूं शाह, निजाम शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, महमूद शाह द्वितीय, वलीउल्लाह शाह, कलीमुल्ला शाह और शाहरुख खान के साथ ही बहमनी शासकों की बेगमों की कब्रें भी हैं। हुमायूं शाह के मकबरे का बड़ा हिस्सा बिजली गिरने के वजह से तबाह हो चुका है। आज आप महज इसका ढांचा देख सकते हैं। अहमद शाह के मकबरे के अंदर की दीवारों पर की गई नक्काशी धुंधली पड़ चुकी है। कहीं कहीं मरम्मत करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन दीवारों का सबसे ज्यादा नुकसान चमगादड़ों ने किया है। आज दीवारों पर दाग धब्बे आसानी से देखे जा सकते हैं। इसको जो है अब करना क्या है, ऊपर का काम जो उखड़ गया था बारिश की वजह से, अंदर की पेंटिंग चले गई पूरी। अब वो पेंटिंग जाने के बाद में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट एक बार केमिकल से आधी इसको साफ करी, साफ करके छोड़ दिए उसको, पेंटिंग को अंदर, हाँ इस साइड वाला, साफ करके छोड़ दिए। उसके बाद तो पेंटिंग को कुछ भी नहीं करे। कब हुआ था ये पेंटिंग साफ? पेंटिंग साफ बोलो 2000 में, 20 साल पहले। हाँ, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास कब आया? ये तो पहले आया, बहुत दिन हो गया, वो तो हमारे पुरुषों को केस में आ गया, हमको खुद ये नहीं था उतना। ये क्या है और कब गिरी? ये जो मकबरा हसन गंगू बहमनी का मकबरा था, जो गिर के ये जो 52 साल हो गए, अभी तक ये नहीं हुआ उसका। पिछले 100 साल में इस मकबरे की देखभाल की जिम्मेदारी एक से दूसरी संस्था के हाथों में आती जाती रही है। एक जमाने में इसकी देखभाल का जिम्मा हैदराबाद के निजाम के पास था। आज ये मकबरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन संरक्षित स्मारक के रूप में आता है। ASI ने इस परिसर की देखभाल करने की कोशिश तो की है, लेकिन फंड की कमी के वजह से इसकी देखभाल पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इतना भव्य मकबरा परिसर अगर दुनिया में कहीं और होता तो वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन चुका होता। अफसोस कि अश्तूर के साथ ऐसा नहीं हो पाया। अश्तूर की कहानी इसकी अनदेखी की कहानी है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में हर साल तीर्थयात्री उस बादशाह को याद करने यहाँ आते हैं जिसे वो संत भी मानते हैं। आज जब लोगों को आस्थाओं और विश्वासों के आधार पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे माहौल में अश्तूर जैसी अपनी साझा विरासत को याद दिलाने वाली जगह पर जाना अच्छा लगता है।